तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में मेनली जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो है वर्म लाइक डायवर्टिकुलम है अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द सीकम एंड जो कि ये अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसीकल ऑरिफिस है। तो देखो ये है पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ से मीडियल साइड में है, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला, पोस्टीरियर मीडियल साइड, पोस्टीरियर मीडियल वॉल में आपका रहता है ऑफ द सीकम के। अब जो डायमेंशंस है 2 से 20 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, एवरेज जो है इसका 9 सेंटीमीटर रहता है। चाइल्ड में ज़्यादा चांसेस होते हैं लंबे होने के, नैरो ल्यूमेन होता है, डायमीटर लगभग 5 मिलीमीटर का होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पोजीशंस क्या क्या है। तो ये लाया करता है राइट इलियाक फोसा में, बेस जो है इसका ये फिक्स्ड है, लेकिन इसके जो टिप हैं वो आपके अलग अलग डायरेक्शंस में गए हुए हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। पोजिशन अपन इसकी कंपेयर करते हैं एज़ पर द क्लॉक हैंड, ये हम समझेंगे कैसे। तो यार यहाँ पे पहले जो ट्रिक है ये देखो, आप समझ लो, पारस पर पीस। पारस पर पीस का मतलब है पहला पा डेट इज़ पैराकोलिक, आर फॉर रेट्रोकोलिक, एस फॉर स्प्लेनिक, पी आई फॉर प्रोमेंट्रिक, पी ई फॉर पेल्विक एंड एस फॉर सबसीकल या फिर मिडलिंगुअल इनग्वाइनल, सॉरी। तो यार यहाँ पे देखते हैं अब इसकी क्लॉक की पोजीशन क्या है। तो पहले तो आपको याद रखना है 11, 12, 2, 3, 4, 6, क्या 11, 12, 3, 2, 3, 4, 6 कैसे। तो यार जो ये पैराकोलिक है, ठीक है ना, पैराकोलिक जो है वो है हम बोलते हैं उसको 11 o'clock पोजिशन, रेट्रोकोलिक को बोलते हैं हम 12 o'clock पोजिशन, और स्प्लीनिक की ये दो पार्ट हैं, ठीक है, प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल। पोस्ट इलियल जो कि बिहाइंड द इलियम होता है एंड प्री इलियल जो फ्रंट ऑफ द इलियम होता है, ये दोनों को बोलते हैं हम स्प्लीनिक, एंड ये होता है हमारे 2 o'clock पोजिशन पे। देन हमारा आता है कौन सा, प्रोमोन्ट्रियम। तो यार जो ये है सॉरी प्रोमोन्टेरिक जो ये है हमारा वो 3 o'clock पोजीशन पर रहता है। उसके बाद हमारा आता है क्या, पर पीस, पी ई पेल्विक, ये हो गया हमारा 4 o'clock पोजीशन पे। एंड एस अगेन डेट इज़ नॉट फॉर स्प्लेनिक बट दिस टाइम इट इज़ फॉर सबसीकल, क्यों ये हम आगे बताएंगे। तो इट इज़ फॉर 6 o'clock पोजीशन। अब पैराकोलिक जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली जाके ऐसे अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, तो वही लिखा हुआ है पासिस अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। रेट्रो वाला जो है उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस ज़्यादा है बिकॉज ये 65.28% मोस्ट कॉमन हो जाता है एंड इसलिए इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये करता है लाए बिहाइंड द कोलॉन। अब जो ये वाले हैं स्प्लेनिक, ये क्या कहते हैं, पासिस हॉरिजॉन्टली टू लेफ्ट, ठीक है ना, सॉरी स्प्लीनिक नहीं, स्प्लीनिक तो अलग है, ये है प्रोमोन्टरिक के लिए जो कि हॉरिजॉन्टली जाता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली गया लेफ्ट की तरफ। इसके जो परसेंटेज है बहुत कम है, less than 1%। फिर 4 o'clock जो कि हमारा रेट्रोकोलिक के बाद सबसे ज़्यादा आता है, डेट इज़ पेल्विक वन, डेट इज़ 31.1%, ये मेनली पासिस टू पेल्विक, इसलिए इसका नाम भी पेल्विक दिया गया है। हम बात करते हैं सब सीकल और मिड इंग्वाइनल की, तो यार ये जो है या तो बिलो द सीकल रहेगा जो कि हमने 6 o'clock पोजिशन दिया है इसको, या फिर ये टुवर्ड्स द इंग्वाइनल लिगामेंट पॉइंट करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिड इंग्वाइनल भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्प्लेनिक की। स्प्लेनिक में तो आपको पॉइंट बता ही चुका हूँ कि प्री इलियल और पोस्ट इलियल को नाम कैसे पड़ा। पोस्ट इलियल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस अपेंडिसाइटिस होता है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, हमने पोजीशंस के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई वगैरह के भी वीडियोस आप बाद में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। थैंक यू।